वो कदे विच पहुंचे नहीं, जेड़े उस रस्ते ते गए नहीं, उस मंजिल ते पहुंचे नहीं, वो रस्ता किवें दस सकदे ने। इस करके संतां दी ड्यूटी लाई आ, उन्हां दी ड्यूटी ला के भेजी आ भी तुसीं जाके नाम जपना है। पातशाह जी कहिंदे मुक्त जो दाता राम को संत जपावे नाम, मुक्ति राम परमेश्वर वाहिगुरु जी दिंदे ने, पर संत महापुरख कहिंदे नाम जपाउण वास्ते जन मन दू मैं ना ही जन पार उपकारी आए, जी नान दे भगती लाए ना हर स्यों मैन मलाए। हरी नाल मिलाउण वास्ते पातशाह जी कहते अनहद बाणी कुंजी संतन रा हथ राखी कुंजी। इस उच्ची अवस्था दी जिथे जाके अनहद बाणी वजदी है, अनहद शब्द वजदे ने, अंतरीव कन्ना दे नाल ओ आनंद प्राप्त करदा है जीव, जिन्हों पातशाह जी कहते सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर आया भरपूरे बिनवंत नानक वाजे अनहद तूरे। जिथे अनहद तूरे वजदे ने, हर जियो गुफांद रख कै वाजा पौन वजाया, वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया। गुरद्वारे लाए भावनी एक ना दसवां द्वार दिखाया। कहिंदे जिन्हां दे गुरु दे नाल भावना जुड़ जाती है उन्होंने फिर दसम द्वार दिखा दें। तो उत्थे दसम द्वार दे विच है की है, पातशाह जी कहिंदे उत्थे अनेकां वाजे वजे, सो दर तेरा के हा सो करके अजित बै सर्ब संभाले, वाजे तेरे नाद अनेक संखा केते तेरे वावनारे। अनेकां वाजे उहदी निशानी है। पातशाह जी कहिंदे उस घर दी निशानी की आ कि तू तेरी सुरत जिहड़ी आ उह हुण परमात्मा दे घर दे विच प्रवेश हो गई आ। कहिंदे जदों तेरी सुरत परमात्मा दे घर दे दरवाजे ते पहुंचदी है उत्थे अनहद शब्द सुनाई देण लग पैंदे आ। तेरे मन टिकण दी निशानी की आ, जिस दिन तेरा मन स्थिर हुंदा अनहद दे वाजे सुणदे आ। जिन्हां दा मन रुक जांदा है उन्हां नूं फिर अनहद दे वाजे सुनाई देण लग पैंदे। सो ये सारा कुछ कहिंदे अनहद बाणी पूंजी संतन हथ राखी कूंजी। इथों तक कूंजी जड़ी है ना, दरवाजे तक, परमात्मा दे दरवाजे तक दा रस्ता उन्होंने तय करना है। अगली जिम्मेवारी गुरु दी है, दसवां द्वार है भाव दरवाजा है, घर तां अगे है, इह तां दरवाजा ही है, इथों तां अगे पहुंचना है। ये जो दरवाजा खुल जाता है फिर जीव की सुरत सचखंड जाती है। इथों फिर सचखंड नूं लैके जाना एक गुरु की ड्यूटी है। ये ड्यूटियां लगियां आप इस करके ये सीधा गुरमुख प्यारे जिदा आप ऊड़ा तो ऐड़ा तो ईड़ी पढ़ते हाँ, पहला ऊड़ा ही पढ़ना पो, ऐड़ा तो नहीं पढ़ सकते, पहला एक ही बोलना पो, दो तो नहीं बोल सकते। इस करके जिहदी पहला ड्यूटी है वो दे कोले जाना पो। आई सामने
जिहदी पहला ड्यूटी है कोई भी काम करवाउण जाओ, जे पहला थले अधिकारी का काम है तो तुसी कहो मैं सीधा ही मैनेजर को चल जा, उन्हें कहना पहला वो जिहड़ा बैठा उहदे कोल दस्सा करा के लाओ, फिर मेरे कोल आयो, मेरा बाद दा काम है। इस करके पातशाह ने कहा ढूंढ सज्जन संत पक्के आ, पक्के संत लग नानक कचड़िया से तोड़, तोड़ दे कच्चा, कच्चे बथेरे है न विरले ना ही कने। सतगुरु जी है पातशाह जी कहते है पर विरले आ लभने पैणगे। उन्हां दी गड्डियां ते 108 जां 1008 नहीं लग्या, हो सकदा उह गृहस्थी अपना परिवार पालदा होवे, हाल वाहुंदा होवे, उहनूं कोई जाणदा वी ना होवे पिंड च, ऐसा संत महापुरख भी हो सकदा इहनूं लभणा पैणा है। उहनां दी निशानी की आ, पातशाह जी कहिंदे जो नर दुख मैं दुख नहीं मानै, सुख सुनेर पै नहीं जाके कंचन माटी मानै, कहिंदे लभ ला जाके दुख नूं दुखी नहीं मानदे, सुख नूं सुख नहीं मानदे, दुख विच रोंदे नहीं, सुख विच भंगड़े नहीं पाउंदे, सुख सुनेर पै नहीं जाके किसी नाल मोह नहीं, किसी चीज नाल मोह नहीं, संसार नाल मोह नहीं, परिवार नाल मोह नहीं, कंचन माटी मानना है। कहिंदे सोने नूं भी मिट्टी समझदे आ, और उन्हां वास्ते दुश्मन ते मित्र एक बराबर ही आ, उह सारिआं नूं प्यार करदे ने, सारे धर्मां नूं प्यार करदे ने, हरेक मनुख नूं प्यार करदे ने, हरेक जानवर नूं प्यार करदे ने, हरेक पौधे नूं, हरेक पंछी नूं, सारिआं नूं प्यार ही प्यार करदे ने, कदी किसे नाल उच्चा नहीं बोलदे, कदी किसे दा दिल दिखाउण वाली गल नहीं करदे, मन करके भी ना, वचन करके ना, कर्म करके इहो जिहे हुंदे ने। कहिंदे उन्हां लभ ला जा के निशानियां तैनूं दसदियां, जदों लभ पैणगे कहिंदे तैनूं परमात्मा दे दर ते खिलार देणगे, उन्हां दे हत्थ है, उन्हां दी संगत करेगा। पातशाह जी कहिंदे साध संग नाहीं कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल। कई तो ऐसे महापुरख ने इन्नी ज्यादा कमाई आ, इन्ने जन्मां की कमाई आ, कितने उन्होंने दर्शन हो जाए तो अंदर वाहिगुरु 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 आपे चलन लग पैंदा। कहिंदे उन्होंने दर्शन करन दे नाल जीव नूं घालना नहीं, घालन की लोड़ नहीं पैंदी, ऐसी बख्शिश है। सतगुरु पातशाह जी कहिंदे गुरमुख कोट उधार दा भाई दे नावै इक कणी, जिन्हां ने बंदगी कीती आ ना गुरमुख बन गए, किसे नूं अपनी कमाई दे विच किनका दिन किनका कहण भी चल बई इत्थे मेरे कोल बह जा ते बोल वाहिगुरु, तुसीं इक वार किते कह दा ना उन्होंने मगर ला के वाहिगुरु, बस फिर चल सो चल ही आ। इन्हू कहिंदे आ किणका, एक बार ही कह देना भाई वाहिगुरू वाहिगुरू करिया कर, बस इन्ने की कृपा हो जाती है। तुरे तुरे जाते कह दिया करना कि बख्शिश कर जाना कि भाई अमृत वाले उठा कर, वाहिगुरू वाहिगुरू करिया कर, बस इन्ने जी बख्शिश कर जाते। कोई महापुरख गुरमुख प्यारो तुरिया जांदा सी, उन्हूं त्रेह लगी ते उन्हें एक किसान हल वारिया, उन्हें आवाज मारी कि मैनूं त्रेह लगी आ,
उन्हें गुरमुख प्यारे टेंड खूह की लाई ते पानी भर के देन लगा महापुरख। कहन लगा नहीं कि दोपहर का समा हो सकता है, भुख भी लगी हुई, पता नहीं किन्नी दूरों आया। उसके खूह ते गां बन्नी सी गुरमुख प्यारे, उन्हें उसका दुध चोया ते कच्ची लस्सी बना के दी महापुरख। छक के बड़े खुश होए, कहिंदे भी तैनू किवें पता भी मैनू भुख लगी। कहिंदे मैं वैसे सोचा भी दुपहर का समा हो सकता है भुख भी लगी हुई, कि चलो जो कुछ मेरे को है जिन्ना को मैं प्रबंध कर सकता है तो मैं करता। ते महापुरख कहन लगे चंगा फिर जो तेरे को तू सानू देता कि जो साडे को असी तेनू दे देने। कहिंदे बोल वाहिगुरु, हाथ जोड़ के कहिंदा जी वाहिगुरु। बस एक बार कवाया वाहिगुरु, रोम रोम दे विच चरनाहट फिर गई। अंदरों वाहिगुरु वाहिगुरु दियां शैबरां लग गईयां, ऐसी बख्शिश हो गई गुरमुख प्यारे। बाहर दे विच ओही किसान ओही विचारा सीधा जा जट संत बन गया, महापुरख बन गया। ऐसी बख्शिश करदे ने, एक कदे कणी तरस दे घर दे विच आण के दे जा। सो गुरमुख प्यारियो, ऐसे महापुरख किते इलाके किते लब जान ते पिछा ना छड्यो। सतगुरु पातशाह जी कहंदे होए जींदिया ना जाही शोर, जींदिया ना विछड़ा मोया ना जाही शोर। जींदा जी छड़दे ने, विछड़दे ने, मरन तो बाद भी छड़दे ने, मरन तो बाद भी चेते रखदे आ कि साडा बंदा नरक च नहीं जान देंदे, गलत रस्ते नहीं पैन देंदे। सतगुरु जी बख्शिश करन, आओ शब्द विचारीए। सतगुरु धन गुरु अमरदास साहब महाराज बख्शिश कर रहे हैं गौड़ी महला तीजा गौड़ी राग दे अंदर। गुर की सेवा कर पिरा जीओ हर नाम ते आए, कहंदे पातशाह जी कहंदे जीव गुरु की सेवा कर, किदां सतगुरु जी किस तरह गुरु की सेवा करी है, कोई तरीका है। सतगुरु पातशाह जी कहंदे हर नाम ते आए, हरी दा नाम ते आ, गुर की सेवा गुर भगत है। कहंदे गुरु की सेवा ही गुरु की भगती, गुरु की गल मन। गुरु की गल मनी है, सतगुरु पातशाह जी कहंदे सतसंगत कैसी जानिया है, जिथे एको नाम खानिया, एको नाम हुक्म है, सतगुरु नानक दिया बुझाए जियो। कहंदे गुरु नानक ने मैनू एको गल समझाई आ भी परमात्मा का नाम जपने सब तो वड्डा हुक्म है, जे तू ये हुक्म मान लिया बाकी सारे हुक्म ये अंदर ही आ जाए। जेड़ा ये हुक्म कमाउण लग पिया वो सारे ही हुक्म कमाऊ, फिर बाकी कोई हुक्म पिछे रह ही नहीं जाऊ। जेड़ा गुरु का यह हुक्म कमा लिया ना जिसने नाम जपना गुरमुख प्यारे, बाकी कोई हुक्म रह नहीं जाता। वो सारे हुक्म कमान फिर वो गुरु की निक्की तो निक्की हुक्म से वड्डे तो वड्डा हुक्म कमाऊगा, ऑटोमैटिकली कमाऊगा, वो मन ही ऐसा हो जाता। गुरु के भाने तो फिर बाहर जाता ही नहीं, हुक्म कमावन हारा बन जाता, उन हुक्म का पता लग जाता, उन्हों गुरु के भाने का पता लग जाता। जेडे गुरमुख प्यारे नाम जपते हैं, क्योंकि सतगुरां ने बाणी विच वार वार नाम की गल की है, नानक कह कल घर केवल नाम। कहिंदे गुरु नानक दे घर दे विच सिर्फ एक नाम की गल हुंदी है। नाम की गल क्यों हुंदी है, पूजा की गल क्यों नहीं हुंदी, जप तप की गल क्यों नहीं हुंदी,
ਇੱਥੇ ਜੱਗ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਉਮਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੱਗ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਬ ਕਲ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ ਆਨ ਰੂਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲੋ ਭੂਲੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਹੋਵੇ ਬੀਜ ਉਹੀ ਫਲਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਫਲਦਾ, ਦੂਜਾ ਬੀਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਲਯੁਗ ਨਾਨਕ ਆ ਜੇ ਤੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਧੰਨ ਜੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਯੁੱਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਯੁੱਗ ਹੈ ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਕਈ ਕਈ ਜਨਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰ ਕਰੇ ਸਵੈ ਕਿਰਪਾਏ, ਕਹੂ ਨਾ ਪਕੜੀਏ ਕਿਸੇ ਥਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰੂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪੂਗਾ ਭਗਤੀ ਕਰੂਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੀ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯੁਗ ਯੁਗ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸੋਧ ਦੇਖੋ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੁਗ ਯੁਗ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਯੁਗਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਰੁੱਤ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ। ਸਤ ਯੁਗ ਸਤ ਤੇਤਾ ਜੱਗੀ ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ ਚਾਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੱਗੀ ਸਨ, ਤਦ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੱਤ ਦਾ ਸੀ। ਤ੍ਰੇਤਾ ਜੱਗੀ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੀ ਜੱਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ ਚਾਰ, ਤੇ ਦੁਆਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਚੰਗਾ ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਚਾਰ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਕਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਰਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਹੀ ਉਗਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਗਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ। ਮੰਨੋ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਹੇ ਪਿਰਾ ਜੀਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੰਨੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਹੇ ਪਿਰਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚੋਂ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਹੇ ਪਿਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹਰ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹਿਰਦੇ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹਰ ਪਾਏ, ਸਦਾ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਸਹਿਜੇ ਸਤ ਸੁਭਾਏ।
सतगुरु पातशाह जी कहिंदे जिहड़ा सदा ही परमात्मा दे नाम दे विच चित ला के रहिंदा है, जिहदे चित ही परमात्मा दे नाम विच लगा हुआ, घर बैठिया हर पाए वह हिरदे घर दे विच जदों दा सुरत टिक जाती है, मन टिक जाता है, हिरदे च बैठ जाता है, सहजे सत सुभाए पातशाह जी कहते उन्हें फिर सहज अवस्था प्राप्त होती है, अथवा सहज सुभाए सुते सीधी गुरमुख प्यारे उस सत दे विच समा जाता है। गुर की सेवा खरी सुखाली जिसनों आप कराए, गुरु की सेवा करनी बहुत सुखी है, बड़ी सौखी है, बड़ी सुख देन वाली है, पर जिसनों आप कराए सौखी है, बैठ के नाम ही जपना है बड़ा औखा वैसे, पर जिन्हां ते बख्शिश हो जाती गुरमुख प्यारे उन्हां वास्ते सौखा भी बहुत है। वाहिगुरु 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 ही जपना है। गुर की सेवा गाखड़ी सिर दीजा आप गवाए, सतगुरां ने एवं लिखा, गाखड़ी तो भाव औखी भी बहुत आ, सिर देना पैंदा, सिर देन तो भाव आपा भाव गवाउणा पैंदा। जदों कलगीधर पातशाह जी ने सिर मंगे सी ना, उन्हां दा मतलब ए हुई सी ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। गुरु ने परख्या कि बाकी चीजा तो दतिया जा सकदियां, कि ये शरीर का भी त्याग कर सकते, शरीर भी गुरु नू देन नू तैयार है। तो उन्हें क्या हां, अंजा ने कहा असी तैयार हैं, सतगुरु जी कहिंदे आ जाओ फिर आओ। जिन्हों का आपा भाव खत्म हो गया, देह नाल कनैक्शन टुट गया, जिन्हों नू पता असी देह नहीं हाँ, जिन्होंने कमाई की उन्होंने समझ लिया कि असी शरीर नहीं हाँ, शरीर मेरा है, ये शरीर आ मेरा, भाव मैं कोई हो रहा, यह शरीर के रहने वाली शै एक वक्री हाँ, मेरा शरीर आ ना कि मैं शरीर हाँ। जिन्हें यह गल समझ ली उन्हों फिर गुरु ने कहा आ जा, तू मेरा प्यारा बन गया, तू पूरा हो गया, तू मेरा रूप बन जा, हुण तेरी ड्यूटी ला लैने गां अगे गुरु नानक दे घर दी दात वंडण दी। पातशाह जी कहिंदे गुर की सेवा खरी सुखाली जिसनों आप कराए, गुरु की सेवा तो भाव गुरु की भगती करनी कहिंदे सौखी है, जे वो आप कराए, जे बख्शिश करता है। नामो बीजे नामो जमै नामो मन वसाए, पातशाह जी कहिंदे ओ मनुख जिते बख्शिश हो जाए, सतगुरु जी कहिंदे ओ नाम नूं ही बीजदा है, नामो जमै, ओ नाम दे अंदर ही, ओदे अंदर जिहड़ा बीजिया होया नाम आ हिरदे रूपी अथवा जां शरीर रूपी धरती दे विच, ओ फिर ओ नाम ही पुंगरदा है। नामो बीजै नामो जमै नामो मन वसाए, ओ नाम ही फिर ओदे हिरदे दे विच फसदा है। नाम जो पुंगर आता है तो गुरमुख प्यार उदों दा फिर पूरा शरीर पूरी बॉडी जड़ी है वह गुरमुख प्यारे वाहिगुरु 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 जपदी है, जीव नूं महसूस होता है कि मेरा शरीर अराधे मोको विचार दे। गुरबाणी कहती भगत जी कहते कहते सारा शरीर ही अराधा परमात्मा, गुरमुख रोम रोम हर त्यावे वाली अवस्था आ जाती है। साढ़े 3 करोड़ रोम का शरीर का रोम वाहिगुरु 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 करते हैं। ये अवस्था है एक नाम की, जाप की, सिमरन की,
सतगुरु जी कहते नामो बीजे नामो जमै, जिन्होंने नाम बीजिया। एक थां गुरु नानक साहब ने नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेस। सतगुरु कहते नाम का बीज बी संतोख का सुहागा मार उत्ते अपनी जिंदगी संतोखी बना। जो कोई तेन परमात्मा ने दिता वो खुश रह, उन्ने गुजारा करना सिख। क्योंकि बंदे दियां जड़ियां कामनावां ही नहीं खत्म होंदियां, तां ही तां बंदे दी दौड़ लगी हुई है। नहीं तां पहलां वी आपां विचार कीती कि साडियां लोड़ां बिल्कुल सीमित आ। लोड़ कोई बंदे दी बहुती ज्यादा नहीं आ। दो सूट सियाल वाले सवाए होण ते पूरा सियाल लंघ जांदा, दो गर्मी वाले सवाए होण ते गर्मियां लंघ जांदियां, पर साड़ी तृष्णा नहीं ना खत्म होती। असी एक सूट जिथे पा के चल जाइए दोबारा वो पा के जाना नहीं चाहते, दूजी बार सानू नवा चाहिए। क्यों है? उन्हें वेख लिया जी जिथे जाके गया हूँ नवा सूट चाहिए। मेरी सुरत संभालने की गल आ भी आप बाकी दे कपड़े घरे पाते होंगे सी, ते आउन जान वास्ते एक ही सूट बनाया हुंदा सी नवा, ते उही चार चार पांच पांच साल उही चली जांदा सी। जदों पुराना हो जाना घरे पा लेना ते एक सूट होर बना लेना, पर अज तां रवाज ही वखरा चल पिया। साडियां लोड़ां बहुत ज्यादा नहीं, दो रोटियां सवेरे खा लीए ते दो शाम नूं खा लीए तां वी साडा सर जांदा, पर सानूं तां वखरे वखरे पकवान चाहीदे आ। सानूं वखरे वखरे पकवान चाहीदे आ कि जो सुबह बनाया वो दुपहर नहीं खाना, जिहड़ा दुपहर बनाया वो शाम नूं नहीं खाना, जिहड़ा शाम बनाया वो सुबह नहीं खाना। सतगुरु जी बख्शिश करन साडे जीवन दे विच संतोख आ जाए। पातशाह जी कहिंदे नाम उहनां नूं प्राप्त हुंदा जिन्हां दा संतोखी जीवन है। नाम बीज संतोख सुहागा, क्योंकि बीज बीज लीए ते जे ते सुहागा ना मारीए ते चिड़िया कां चोके लै जांदे। इसे तरह नाम तां बीज लिया जे संतोख दा सुहागा ना ना बीजिया मारिया ते तृष्णा ने सब कुछ भलेड़ के लै जाणा। तृष्णा ने इन्हां तैनूं दड़ाउणा इन्ना भजाउणा तैनूं नाम दा चेता ही भुल जाणा। पहला बीज बीजिया भी काम करो लोमो रूप जिहड़ियां चिड़िया काने इन्हां चोगे लै जाणा, तेरे कोल कुछ नहीं रहणा। नाम बीज संतोख सोएगा रख गरीबी वेस। फिर जेड़े बीज बीज रहे गुरमुख प्यारे जदों पुंगरदा उन्हों फिर पशुआं तो बचाउण वास्ते वाड़ भी लाउंदे आ, जे वाड़ ना लाईए तां वी पशु खा जांदे आ। रख गरीबी वेस कहिंदे उन्हों उहदी रख्या करन वास्ते वाड़ ला, की गरीबी वेस रख। गरीबी वेस भाव अपने तन ते गरीबी वेस पा के रख। तेनू हंकार ना आवे भी मैं सोहने कपड़े पाया, मैं बड़ा अज जचदा। जदों चंगे कपड़े पाए हो ना बंदे दा पैर नहीं धरती ते लगदा, वेखदा भी मेरे वाल कोई वेखदा है, हंकार आ जांदा मन दे विच। कहिंदे रख गरीबी वेस, गरीबी वेस रख, फिर गल बनदी आ, फिर कृपा हुंदी आ। सतगुरु जी कहते नाम का बीज बीज नामो बीजे, नाम बीज का नामो जमे, वे हिरदे नाम जमदा ते नामो मन वसाए, मन के विच नाम वस जाता। नानक सच नाम वड्याई पूर्व लिखिया पाए। सतगुरु जी कहते जेड़े सच्चे नाम की वड्याई आवें नहीं प्राप्त होंगी, क्योंकि बड़ी वड्डी गल है नाम जपना, कोई छोटी मोटी गल नहीं। जेड़े भगती करनी भगत करें मर जीवड़े, कहिंदे जेड़े मर जीवड़े ने सूरमे ने। सतगुरु ने कहा कि कलयुग दे विच सूरमा सूरमा जेड़ा नाम जपना है।
लाल रंग किसको लगा जिस कह वड भागा, कहिंदे परमात्मा दे नाम दा रंग उन्हां नूं लगा है जिन्हां दा बड़े वड्डे भाग ने, बड़े वड्डे भाग ने, ओह नाम जपदे ने। सतगुरु पातशाह जी कहिंदे नाम दी वड्याई पूर्व लिखिया पाए, जिन्हां दे मत्थे दे पूर्वले भाग लिखे हुए ने परमात्मा ने चंगे कर्मा करके, उन्होंने नाम दियां दातां प्राप्त होंदियां, गुरु उन्हां ते बख्शिश करता है, रहमता बरसाता है। असीं गुरु दे चरणां ते डिग के बेनती करिए दादा साडे ते भी कृपा कर दे, क्योंकि जन्म दोबारा दोबारा नहीं मिलना सा। उदाहरण वेखो कैसी दित्ती, कहिंदे ज्यों बाल पल पांके कोहे गरे बौर ना लगे डार, जिन्ना मर्जी जतन कर लो पर डिग्या होया फल एक वारी कहिंदे दोबारा नहीं जुड़ सकता। करके वेख लो जतन, नहीं जे जुड़ना, जे जोड़ दोगे पकना नहीं, उन्हें उत्थे सड़ जाएगा सवाह हो जाएगा, पर वो गल नहीं बनती। गुरु बख्शिश करे, करे गुरु दियां गल्लां असीं पल्ले बन लईए, साडे दिमाग विच किते वड़ जाण। भगत कबीर जी कहिंदे कहिंदे पूरा सतगुर क्या करे जां सिखां मैं चूक, अंधे इक ना लागे जो बांस बजाईए कूक। पूरा गुरु ते रोह सानू समझा रहा, जदों खंडपुर साहब चढ़दा हड़ताली हड़ताली घंटे बाणी चलदी आ, लगातार सतगुरु जी समझाई जाते हैं समझाई जाते हैं। पर असी ऐसे सिख हाँ गुरमुख प्यारे, इधरों की बाणी सुनते हैं दूजे पासे कढ़ दिंदे हैं, इधर की गल सुनते हैं उधर कढ़ दिंदे हैं, जदों गुरुद्वारे का गेट पार कर दें सब कुछ खत्म, बस फिर संसार शुरू हो जाता। गुरु की समझी हुई गल अगले दिन तक रहनी चाहिए, पूरे जीवन के असीं कमाईए। इथों वाहिगुरू वाहिगुरू शुरू किया ते रात दी सौण तक वाहिगुरू 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 याद ही रहे सब। इस करके सतगुरु बख्शिश करन साडे ते रहमतां वसाउण, दास पासों विचार करदे होईआं भुल्लां दी माफ़ी बख्श करनी, सतगुरु जी सतगुरां दी संगत बख्शनारा बख्श लैणा जी, लेखा कतै ना छूटी है खिन खिन पूलन हार, बख्श नार बख्श लै नानक पार तार। नामो बीजे नामो जमै नामो मन वसाए, नानक सच नाम वड्याई पूर्व लिखिया पाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम